हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कद्दू का हलवा बनाने चल रहे हैं। तो ये हमने कद्दू लिया था, ये कद्दू हमारा पका हुआ है, इसको हमने छील लिया है। अब हम कद्दूकस करने चल रहे हैं। हम सारा हलवा कद्दूकस कर ले रहे हैं। इसको ये हमने बारीक कद्दूकस कर लिया है, इसको बहुत बारीक है। अब इसको हम धुल लेते हैं साफ पानी से। दो बार कद्दू हम धुल लिए थे, ये छन्नी वाली थाली में रख दिए हैं, तो इसका पानी निकल गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो हम देसी घी डाल रहे हैं, पैन रखे हैं, गरम हो गया हमारा। इसमें हम 2 चम्मच घी डाल दे रहे हैं। घी और डाल 2 चम्मच डाल। हम घी डाल दिए हैं इसमें। अब हम कद्दू डाल रहे हैं। कद्दू हम भूजेंगे तो इस जो है कच्चापन भी इसका निकल जाएगा, तो इसको हमको धीमी आंच में भूजना है। ये कद्दू जो है भुजा गया है, तो इसका कलर भी चेंज हो गया है और एकदम मुलायम हो गया, सॉफ्ट पक भी गया है। तो इसमें हम दूध डाल रहे हैं, 1 गिलास हम दूध डाल रहे हैं इसमें। तो इसको भी हम पकाएंगे धीमी आंच में। हमको पकाना है, आंच ज़्यादा हमको तेज नहीं करना है। ये दूध हमारा सोख लिया है, तो इसमें हम स्वाद अनुसार चीनी डाल रहे हैं, चीनी भी हमारी गल जाए। साथ में हम इलायची डाल दे रहे हैं कुटी हुई, इसको भी हम पकाएंगे। ये हमारा दूध और चीनी जो है पक गया है और सूखा भी हो गया है, इसको हमने धीमी आंच में पका लिया था। तो इसमें कद्दू भी एकदम गल गया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। हमने बादाम और काजू लिया था, ये किशमिश हम डाल रहे हैं। इसको हम प्लेट में निकालने चल रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। ये हमारा कद्दू का हलवा बनके रेडी हो गया है। आप लोग बताइएगा कैसा बना है कैसा नहीं। अगर हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।